नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं झांसी की रानी लक्ष्मीबाई के इतिहास के बारे में। रानी लक्ष्मीबाई का जन्म वाराणसी जिले में 19 नवंबर 1828 को एक मराठी ब्राह्मण परिवार में हुआ था। इनके बचपन का नाम मणिकर्णिका था, लेकिन परिवार वाले इन्हें प्यार से मनु पुकारते थे। इनके पिता का नाम मोरोपंत तांबे था और माता का नाम भागीरथ सप्रे। इनके माता पिता महाराष्ट्र से संबंध रखते थे। जब लक्ष्मीबाई मात्र 4 साल की थी, तभी उनकी माता का स्वर्गवास हो गया। उनके पिता मराठा बाजीराव की सेवा में थे। माँ के निधन के बाद घर में मनु की देखभाल के लिए कोई नहीं था, इसलिए पिता मनु को अपने साथ बाजीराव के दरबार में ले गए। वहाँ मनु के स्वभाव ने सबका मन मोह लिया और लोग उसे प्यार से छबीली कहने लगे। शास्त्रों की शिक्षा के साथ साथ मनु को शस्त्रों की शिक्षा भी दी गई। सन 1842 में मनु का विवाह झांसी के राजा गंगाधर राव निम्बालकर के साथ हुआ और इस प्रकार वे झांसी की रानी बन गई और उनका नाम बदलकर लक्ष्मीबाई कर दिया गया। सन 1851 में रानी लक्ष्मीबाई और गंगाधर राव को पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई, पर 4 महीने की आयु में ही उसकी मृत्यु हो गई। उधर गंगाधर राव का स्वास्थ्य बिगड़ता जा रहा था। स्वास्थ्य बहुत अधिक बिगड़ जाने पर उन्हें दत्तक पुत्र लेने की सलाह दी गई। उन्होंने वैसा ही किया और पुत्र गोद लेने के बाद 21 नवंबर 1853 गंगाधर राव परलोक से उतर गए। उनके दत्तक पुत्र का नाम दामोदर राव रखा गया। इसके बाद ब्रिटिश इंडिया के गवर्नर जनरल डलहौजी की राज्य हड़प नीति के अंतर्गत अंग्रेजों ने बालक दामोदर राव को झांसी राज्य का उत्तराधिकारी मानने से इनकार कर दिया और डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स नीति के तहत झांसी राज्य का विलय अंग्रेजी साम्राज्य में करने का फैसला कर लिया। हालांकि रानी लक्ष्मीबाई ने अंग्रेज वकील जॉन लैंग की सलाह ली और लंदन की अदालत में मुकदमा दायर कर दिया, पर अंग्रेजी साम्राज्य के विरुद्ध कोई फैसला हो ही नहीं सकता था, इसलिए बहुत बहस के बाद इसे खारिज कर दिया गया। अंग्रेजों ने झांसी राज्य का खजाना जब्त कर लिया और रानी लक्ष्मीबाई के पति गंगाधर राव के कर्ज को रानी के सालाना खर्च में से काटने का हुक्म दे दिया। अंग्रेजों ने लक्ष्मीबाई को झांसी का किला छोड़ने को कहा, जिसके बाद उन्हें रानी महल में जाना पड़ा और 7 मार्च 1854 को झांसी पर अंग्रेजों ने अधिकार कर लिया। रानी लक्ष्मीबाई ने हिम्मत नहीं हारी और हर हाल में झांसी की रक्षा करने का निश्चय किया। अंग्रेजी हुकूमत में संघर्ष के लिए रानी लक्ष्मीबाई ने एक स्वयंसेवक सेना का गठन प्रारंभ किया और इस सेना में महिलाओं की भी भर्ती की गई और उन्हें युद्ध का प्रशिक्षण दिया गया। झांसी की आम जनता ने भी इस संग्राम में रानी का साथ दिया और लक्ष्मीबाई की हमशक्ल झलकारी बाई को सेना में प्रमुख स्थान दिया गया। अंग्रेजों के खिलाफ रानी लक्ष्मीबाई की जंग में कई और अभ्यस्त और अंग्रेजी हड़प नीति के शिकार राजाओं जैसे कि बेगम हजरत महल, अंतिम मुगल सम्राट की बेगम जीनत महल, स्वयं मुगल सम्राट बहादुर शाह, नाना शाह के वकील अजीमुल्ला शाहगढ़ के राजा, वानपुर के राजा मर्दन सिंह और तात्या टोपे आदि सभी महारानी के इस कार्य में सहयोग देने लगे। इसके बाद सन 1858 के जनवरी महीने में अंग्रेजी सेना ने झांसी की ओर बढ़ना शुरू कर दिया और मार्च में शहर को घेर लिया। लगभग 2 हफ्तों के संघर्ष के बाद अंग्रेजों ने शहर पर कब्जा कर लिया, पर रानी लक्ष्मीबाई ने अपने पुत्र दामोदर राव के साथ अंग्रेजी सेना से बचकर भाग निकली। झांसी से भागकर रानी लक्ष्मीबाई कालपी पहुंची और तात्या टोपे से मिली। इसके बाद तात्या टोपे और लक्ष्मीबाई की संयुक्त सेना ने ग्वालियर के विद्रोही सैनिकों की मदद से ग्वालियर के एक किले पर कब्जा कर लिया। रानी लक्ष्मीबाई ने जीजान से अंग्रेजी सेना का मुकाबला किया, लेकिन 17 जून 1858 को ग्वालियर के पास कोटा की सराय में ब्रिटिश सेना से लड़ते लड़ते वीरगति को प्राप्त हो गई। तो दोस्तों, आज का हमारा यही टॉपिक था। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में इसी प्रकार की और ऐतिहासिक कहानियों के साथ। तब तक के लिए देखते रहें आप हमारा चैनल एस्केट ज्ञान। धन्यवाद।